नेपाल से शराब का खेप लाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिहार के विभिन्न जिलों में कारोबार के लिए नेपाली शराब ले जा रहे हैं। कारोबारी इस कार्य को अंजाम देने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। तस्कर। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मधुबनी जिले के पुलिस द्वारा आए दिन शराब एवं धंधे से जुड़े कारोबारी को पकड़ना आम बात हो गया है। ऐसे ही एक मामले में माधवपुर थाना अध्यक्ष गया सिंह ने पुलिस के बल के सहयोग से राजेश ठाकुर ग्राम थाना कमतौल जिला दरभंगा को नेपाल निर्मित विदेशी शराब के साथ भारतीय सीमा के पिलर संख्या 195/2 से गिरफ्तार की। वहीं रहिका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के साथ एएसआई राकेश कुमार, कुंदन बासुकी, रमाकांत सिंह सहित सशस्त्र बल के जवान ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भौरा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय अब्दुल मजीद को नेपाल निर्मित 20 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। अब्दुल मजीद ने इस कदर अपने शरीर में शराब छुपाकर रस्सी के सहारे उसे बांध रखा था और ऊपर से गर्म कपड़ा पहनने के साथ साथ चादर से पूरे शरीर को ढक रखा था। यह पता लगा पाना काफी मुश्किल भरा काम था। इतने उम्र दराज लोग इस तरह से अपने शरीर में शराब छुपाकर शराब नेपाल से भारत के सीमा में ला सकता है, लेकिन पुलिस के नजर से वह बच नहीं सका और रहिका थाना अध्यक्ष के पखरौनी गांव में धर दबोचा। लेकिन इतना तो कहां ही जा सकता है कि शराब कारोबारियों को पुलिस लाख पकड़ जेल भेजने का काम करती रहे, हजारों लीटर शराब बरामद कर उसे विनिष्ट करती रहे। लेकिन ये कारोबार सरकार के लाख प्रतिबंध के बावजूद भी बदस्तूर जारी है।